आते हैं इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में, जिसमें आपका दिल्ली आगमन हो गया और मैंने सुना है कि शुभा जी को नंबर देके आप आ गए थे और ये सोच के कि अब कभी ना कभी तो कॉल आएगा ही, लेकिन वो कॉल जितना जल्दी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे पहले ही वो कॉल आ गया। जी 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 एक्चुअली उसमें भी बड़ी अच्छी कहानी ये हुई कि हम गए थे, हम कुछ हमारे स्टूडेंट हमसे पहले दिल्ली आ गए थे, तो अच्छा हाँ, तो यहाँ हम जब आए तो वो लोग थे दो चार लोग, तो हमारा एक ही रूटीन था कि हम रोज चले जाते थे मंडी हाउस, कभी पंडित राजन साजन जी का प्रोग्राम हो रहा है, कभी पंडित जसराज जी का प्रोग्राम हो रहा है, कभी उस्ताद शाहिद परवेज बजा रहे हैं, जाकिर भाई बजा रहे हैं, तो हम जाते थे। उसी में एक क्रम में हमने देखा कि शुभा जी गा रही हैं और वो दिल्ली में रहती हैं, तो हमने सोचा कि शुभा जी से कॉन्टेक्ट किया जाए, और हमको ऐसा लगा कि शायद इनको तबले की जरूरत है, पता है ना कि एज ए तबला प्लेयर, हमको लगा कि शायद अगर हम यहाँ पहुंचे तो ये एकदम से हमको मौका मिलेगा कुछ काम करने का। तो हमने किसी को बोला, वो नंबर दिया, हमने फोन किया उनको, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है मिथिलेश जी, मैं एक्चुअली अभी तो इलाहाबाद जा रही हूँ, आप मैं आऊंगी लौट के 10-15 दिन के बाद आऊंगी, तो फिर आप बात करिएगा, फिर देखेंगे जैसा होगा। तो ऐसा लगा जैसे कि ठीक है, एक बात हुई और सोचा कि चलो पिंड छूटा, बात कर लिया। लेकिन संजोग मैं इसलिए अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे पूर्णिया में एक राजा साहब थे, कुमार श्यामानंद सिंह जी, बनेली स्टेट, जिनका टीएनवी कॉलेज वगैरह सब है, तो वो गाते थे बहुत अच्छा, मतलब सीखा हुआ गाते थे, पंडित उस्ताद फैयाज खान साहब के घराने से, आगरा घराने से सीखा था उन्होंने, और पंडित भीष्मदेव चटर्जी के गंडाबंद शागिर्द थे, और उनके दरबार में सब केसर भाई केरकर, बड़े गुलाम अली खान साहब, सब लोग जाते थे, गाना बजाना होता था, वो गाते थे, वो हमको बहुत प्यार करते थे छोटे से। तो उनके सबसे छोटे भाई, वो इलाहाबाद में क्लाइव रोड में रहते थे, उनकी कोठी थी वहां, और उनके ताल्लुकात थे, तो शुभा जी जब गई थी इलाहाबाद तो उनसे बातचीत में उन्होंने बोला कि एक हमारे यहाँ से बड़ा अच्छा तबला बजाने वाला गया है अभी दिल्ली, तो बोले कि क्या नाम है, तो बोले उसका नाम मिथिलेश है, बहुत अच्छा बजाता है। तो शुभा जी को लगा कि अरे उनका तो फोन आया था, लेकिन हम अब पता नहीं, उनका तो नंबर कोई है नहीं, अब उनका फोन आता है कि नहीं आता है उनको नहीं पता, अच्छा हम भी ये सोच रहे थे अब करेंगे फोन, लेकिन मेरी वाइफ सपोर्ट कर रही थी, वाइफ को ध्यान था, वाइफ ने बोला कि 10 दिन हो गया आप फोन करिए, तो हमने कहा चलो कर लेते हैं, तो हमने फोन किया तो शुभा जी ने एकदम, वो आवाज में एक आकर्षण ये था कि अच्छा हाँ मिथिलेश जी, अरे आप ये बताइए आप कब फ्री हैं, हम तो बोले हम फ्री ही हैं, आप जब कह दें, तो बोले क्या कि आज आप आ सकते हैं, हम बोले बिल्कुल आ सकते हैं, तो एड्रेस दिया उन्होंने, मोतिया खान में रहती थी, तो हमने ऑटो रिक्शा लिया और पहुंच गए उनके पास, और पहुंच गए बस, वो बैठी गाने के लिए, करीब 1-1.5 घंटे हम लोग बैठे होंगे, गाना बजाना हुआ, निकलने लगे तो एक तहजीबन बड़ी बहुत मतलब कमाल की लेडी है, वो एक लिफाफा दिया उन्होंने, और लिफाफा तो दिया ही, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी उस समय, सबसे बड़ी बात है कि एक स्ट्रगलर को जो आया हो ये सोचने के लिए क्या होगा, और ये सोच रहा उसको कोई नॉलेज नहीं है, प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है कि इस फील्ड में कैसे काम करना है, उनको ये बताया कि कल से काम करते हैं हम साथ में, और उस समय सुभा जी बड़ी बिजी थी, रोज के रिकॉर्डिंग हो रहे थे, हमको उस समय 1,000, 1,200, 1,500, 2,000 रिकॉर्डिंग भी मिल जाते, तो हमको लगा उस समय 96 में अगर 2,000 रुपये पॉकेट में आ गए तो ऐसा लगता था कि अब तो हम राजा हो गए, तो दिल्ली में और कुछ चाहिए नहीं, तो हमारा जैसा मन था हम एकदम शांति से काम किए जा रहे थे। अब ये शुभा जी से जुड़ने का एक पहला ये था, और उस्ताद जी के यहाँ हम रोज फोन करते थे कि कब मुलाकात हो सकती है, वो फोन हमने किया 8 महीने 6 महीने लगातार,
और अभी भी हमको याद है, जनवरी से लेके जुलाई तक फोन किया। जुलाई में हमको एक दिन बात हो पाई उस्ताद जी से, सबसे पहले काकी माँ से। उन्होंने बोला हाँ आपका फोन बहुत दिनों से आ रहा है क्या, तो हम बोले हम उस्ताद जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो अच्छा मैं पूछती हूँ, रुक के उन वीडियो कॉन का कुछ वजूका का उस समय वो ये करते थे, उसका कुछ शूटिंग चल रहा था। तो उस्ताद जी ने उसी बीच में फोन लेके 2 मिनट हमसे बात किया। हाँ बेटा क्या चाहिए, नौकरी चाहिए? बोले नहीं आपका आशीर्वाद चाहिए, नौकरी तो छोड़ के आया। तो उन्होंने एक नंबर दिया हमको कि ये नंबर लीजिए, ये हमारे सीनियर शागिर्द हैं और इनसे मिलिए, ये तय करेंगे कि हम कब मिलेंगे। तो वो थे प्रमोद शंकर, ये उनके शागिर्द, वो टाइम्स म्यूजिक म्यूजिक में बड़े पोस्ट पर थे प्रमोद शंकर जी। तो प्रमोद शंकर जी ने हमको सुना और उस्ताद जी को फोन किया, उस्ताद जी तो बहुत अच्छा बजाते हैं। तो उस्ताद जी ने, ये बात है 28 जुलाई की, और 30 जुलाई को उस्ताद जी ने हमको बुलाया, उस दिन गुरु पूर्णिमा था। क्या बात। तो सारे लोग जा रहे थे, उन्होंने बुलाया कि मतलब प्रमोद शंकर जी को बोला कि उसको बोलो तुम लोगों के साथ ही आ जाए, तबला भी सुनेंगे और खाना पीना भी यही होगा, तो उसको बोल दो। प्रमोद शंकर जी ने बोला। तो बहुत लोगों का एहसान है मेरे लाइफ में, प्रमोद शंकर जी का भी है, उस्ताद जी का तो है ही, मेरे गुरु जी का भी है, जिन्होंने एक मतलब हमको अलाउ किया कि तुम जाओ वहां। लेकिन मैं बहुत इस जो आखिरी लाइन आपने कही उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था कि इस तरह जब आप रिस्क लेते हैं कि बिहार में नौकरी है, नौकरी छोड़ के दिल्ली चले जाएंगे, कुछ अता पता नहीं है, ये भी नहीं पता है कि दिल्ली जाके क्या करना है, इसमें परिवार का जो सहयोग चाहिए होता है और जिस लेवल पर कॉन्फिडेंस परिवार से चाहिए होता है, आप इस मामले में बहुत खुशनसीब रहे कि बहुत साथ मिला आपको परिवार वालों का। बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत ज्यादा, एक तो एक इसी क्रम में एक और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उम्र में हमसे बहुत बड़े हैं लेकिन मित्रता का सम्मान दिया हुआ है उन्होंने, तो मित्र ही हमको मानते भी हैं और वैसे ही ट्रीट करते हैं। वो हैं बिहार में सरजू मिश्रा जी हुआ करते थे हेल्थ मिनिस्टर, ये बहुत पहले जब इंद्रजीत दुबे जी थे चीफ मिनिस्टर, उनके जो सबसे बड़े पुत्र हैं शंभुनाथ मिश्र, वैसे तो वो पॉलिटिक्स में थे, तारिक अनवर साहब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और शंभुनाथ मिश्रा उपाध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन उनका एक गाने बजाने का एक शौक था कि उनको दो चीज की कमजोरी थी। शंभू बाबू जब भी अपने पॉलिटिकल प्रोग्राम में भी कहीं जाते थे तो उनको या तो कोई कलाकार चाहिए साथ में और या तो कोई खिलाड़ी चाहिए साथ में। तो कलाकार जब चाहिए होता था तो वो हमारी ऐसी दोस्ती हो गई थी कि वो कभी भी गाड़ी में जा रहे हैं मिथिलेश जी चलिए, कहाँ चल रहे हैं चलिए चलते हैं, पटना गए बैठे हैं बातचीत। तो उस जब दिल्ली आने की बात हुई थी तो सबसे पहले उनका उनका दो लड़का, वो अभी भी अब दिल्ली में ही रहते हैं, अब नौकरी करते हैं, पढ़ रहे थे उन दोनों, तो उन्हीं के पास सबसे पहले हम आए थे, एक दिन उनके पास रुके थे और दूसरे दिन वहां से हम लोगों ने, दोनों वाइफ हस्बैंड थे, जाके किराए पर घर लिया था। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, सबसे पहले वो हमको दिल्ली लेके आए थे मतलब ऐसे ही घूमने के लिए कि चलिए, और उन्होंने भी बहुत मॉरल जो सपोर्ट करते हैं वो दिया कि अरे कुछ नहीं है आपके लिए, कुछ नहीं है, आप जाएंगे तो आप। और एक और मित्र थे हमारे कलाकार मित्र, बलराम पाठक जी के शिष्य थे वो, तो उनके साथ हम बहुत प्रोग्राम करते थे बिहार में। उन्होंने कहा कि तुम, और वो भी हमसे, हमारे जितने मित्र हैं सब हमसे उम्र में कम से कम 20 साल बड़े तो उन्होंने कहा कि अरे तुमको पता नहीं है, तुम एक बार जाओ तो सही, जैसे जंगल में आग लगता है ऐसे होगा, तुमको तुमको बेकार का ये सब डर होता है, तुम बिहार में पड़े हुए हो, तुम निकलो। और निकले तो सचमुच में लोगों ने बहुत प्यार दिया और उस वो प्यार खत्म नहीं हो पा रहा है, उससे चल रहा है, क्रेज मिलता जा रहा है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें।
इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।